हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में जो हम लोग क्लास टेंथ का मैथ का वर्कशीट नंबर 8 करने वाले हैं, ठीक है। क्लास टेंथ का गणित का वर्कशीट 8 है और आज की तारीख जो है 23/7/2021। तो आज जो हमें पढ़ना, जैसा कि अभी पता आपका रचना से जो था वो वर्कशीट आ रहा है, तो आज हमें पढ़ना है समांतर एवं लंबवत रेखाओं की रचना कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब समांतर रेखा क्या होगा कि दो लाइन के बीच की दूरी, जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो दोनों का बीच, ये हमेशा ये पैरेलल है, दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम होगा। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे ना कि हम एल पैरेलल एम है, इस तरह से ये हमें कैसे रचना करेंगे, हमें ये बताया गया स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, इसके लिए पहले आपको ये बताया गया कि आपको क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब क्या क्या चीज़ को आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक प्रकार लेना है, पैमान यानी कि हो गया, ठीक है, एक पेंसिल द्वारा, ठीक है, प्रकार लेना है एक, और एक स्केल लेना है और एक पेंसिल लेना है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, एल एक रेखा खींचे, ठीक है। तो एल एक रेखा खींच लिए इस तरह से, और उस पर कोई बाहरी बिंदु पी ले लेते हैं, और वो जो पी बिंदु था, अब जो रेखा एल पर कोई बिंदु एक्स लीजिए, एक्स यहाँ पर हम बिंदु ले लेंगे, और पी से उसे क्या कर देंगे, मिला देंगे। आप लोग समझ रहे हैं ना, पहले एक हम ये एल एक रेखा खींचे, पी एक बाहर बिंदु लिए, इस P बिंदु से इसे X को यहाँ पे जो लिए थे इसे मिला दिए, ठीक है। उसके बाद इस X से कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए, जो कि जो रेखा L है उसे C पर, और जो रेखा P था उसको N पर प्रतिच्छेद करेगा। जैसे इस तरह से हम लेके काट दिए, इसका पॉइंट दे दिए, नाम दे दिए C, इसका नाम दे दिए D, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से केंद्र P से, मान लो P से चरण तीन के सामने त्रिज्या लेकर एक चाप खींचे, जो N को E पर काटेगा। फिर से P पर हम P से दोबारा, जो आर्क ये था ना, जो आर्क हम ये लिए थे, इसी आर्क से P बिंदु से लेंगे यहाँ, और इसे कट कर दिया, ठीक है, यहाँ कर दिया। और उसके बाद जो E था, एक बार P से माने, इस बार आप E को केंद्र मानेंगे, E को केंद्र मानेंगे, और E को केंद्र मानकर फिर से एक आर्क चाप खींचेंगे जो इसे एफ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इस तरह से काटेगा। इस प्रकार ई एफ जो है, ये आर्क जो ई एफ है वो बराबर होगा किसका, ये सी डी का कोण का, ठीक है, ये बराबर होगा इस तरह से, और रेखा एल एन का समांतर होगा। अब जब ये बराबर होगा तब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो पी एफ पॉइंट था, पी एफ जो था, इसको हम मिला देंगे इस तरह से, पी एफ को देखो मिला दिए, और ये तो एक पहले से था ही, ठीक है, तो ये दोनों समांतर रेखा बन गए। आ रहे बच्चे समझ में, समांतर रेखा कैसे बनाना था, इस तरह से हमें समांतर रेखा जो था बनाना था। ओके, तो यही चीज़ को लंबवत्ता रेखाओं की रचना आपको दोबारा से दोहराना है। इसी तरह से आपको ये जो दोनों वर्कशीट क्वेश्चन दिया गया ना, एक और अभी हम कराएंगे, देखो दोबारा से समझा दें क्या क्या किए थे। पहले हम एक लाइन खींचे थे जिसका नाम दिए थे एल, यहाँ पे फिर हम एक कोई एक बिंदु ले लिए पी, यहाँ पे एक हम बिंदु ले लिए कोई एक्स, ये एक्स और पी को हम क्या किए, मिला दिए, एक्स और पी को क्या कर दिए बच्चों, मिला दिए। यहाँ से हम कुछ त्रिज्या का एक आर्क चाप लिए थे, ठीक है, जिसका नाम हम दे दिए थे, जो एल पे कट करा था उसका नाम दे दिए थे सी, और जो एस पे कट रहा था डी, इसी आर्क से हो गया। फिर क्या करेंगे हम, पी से क्या किए थे, हम पी से दोबारा से एक क्या करेंगे, एक आर्क लिए यहाँ से, पहले एक तो हम यहाँ से आर्क लेंगे, यहाँ कहीं कट करा था, फिर पी से जो था वहाँ से आर्क लेंगे, और इस तरह से कट कर रहा, यहाँ से इस आर्क को काटेंगे, और इस तरह से लाइन मिला दिए, ये हमारा हो गया। देखो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसा भी हो आपको बताना, बस नहीं भी सर आपको वर्कशीट में ये डायग्राम दोबारा से बना के दिखाना है, ठीक है। आप बोलोगे तो हम दोबारा से वर्क जो है हम कंपास वगैरह से आपको दोबारा से करके समझाएंगे किस तरह से करना है, ठीक है। ज़्यादा बच्चों को कमेंट आएगा, दोबारा से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम पेंसिल से पूरा एकदम करते हुए रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो था, अब हमें लंबता मतलब परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, लंब बनाना, जैसे एल एक हम रेखा लिए पहले, ठीक है, दी गई एल एक बाहरी भाग से एक बिंदु ले, उसके बाहर भाग में एक पी बिंदु ले लेंगे। अब पी से हम पी को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या को लेकर के एक बड़ी चाप खींचेंगे, जो एल के दो बिंदु पे ए और बी पे प्रतिच्छेद कर रहा था, एल लाइन पे हम यहाँ से इस तरह से आर्क लिए, तो ये इस तरह से कट कर रहा था, एक का नाम दे दिए ए, एक का नाम दिए बी। अब क्या करेंगे, वैसे त्रिज्या को लेकर के, अब एक बार ए को केंद्र मारकर चाप लेंगे, एक को बी को केंद्र मारकर चाप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोनों, एक बार ए से चाप लिए तो ये ऐसे आया, बी से चाप लिए तो इस तरह से आया,
ठीक है। और यहाँ से बाद में चौथे पॉइंट में क्या किए, ये जो पी क्यू था इसको हम क्या किए, मिला दिए, और यही हमारा लंब हो गया। क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है बच्चों, ये जो है अब लंब हो गया इसका। ठीक है, आइए समद्विभाजक लंब बनाना है अगर जो हमें, एक तो एक लंब मतलब अब दोनों साइड, तो जब दोनों साइड लंब बनाना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे ए बी। ये आ रहा है ना समझ में कैसे किए, एक बार देखो दोबारा से बताते हैं। एक एल लाइन लिए, आप एक कोई भी बाहर पी पॉइंट ले लो, आप पी से एक आर्क लेना इस तरह से जो इस लाइन को कट करेगा, मान लो यहाँ पे कट गया, फिर इसी आर्क से एक बार यहाँ से हम लेंगे आर्क, तो मान लो ये यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ से आर्क लेंगे तो यहाँ पे कट कर रहा है, इस तरह से इसको हम मिला दिए। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, लंब बन गया। अब तक कि अगर जो किसी रेखाखंड को लंब समद्विभाजक बनाना, मतलब दोनों साइड परपेंडिकुलर भी हो और ये लाइन को बाइसेक्ट भी करे, बराबर भागों में बांटे भी, जिसको खींचे खींचे ए बी एक लाइन खींचे। अब एक बार क्या करो, ए से एक आर्क लो इधर ले लेना, एक ए से आर्क इधर ले लेना, फिर इसी तरह से एक बार बी से आर्क लेना, बी से इधर एक बार ऐसे कट गया, एक बार इसे कट गया ए से। ठीक है, अब ये दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, इस तरह से मिला दिए, तो ये ए बी का लंब भी हो गया और समद्विभाजक लंब है, मतलब ए बी को दो बराबर भागों में बांट भी रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये जो तीनों दिया गया सभी रचनाओं को कितने बार करना है, सभी रचनाओं को आपको दो दो बार करना है, सभी रचनाओं को कितने बार करना है बच्चों, आपको दो दो बार करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, अगर जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके साथ हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।